ईश्वर ने लोक निर्गमन के संदर्भ में हमने कल देखा कि जो सिद्धांत प्रचलित है चरण सिद्धांत हो बैंकिंग सिद्धांत वर्तमान समय में बैंकिंग सिद्धांत सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंक के माध्यम से सीमित मात्रा में धातु को सरकार के आवश्यकता अनुसार मुद्रा का निर्माण किया जाता है। पत्र मुद्रा के निर्माण के संबंध में इस विधेय में लोक निर्माण के लिए एक निश्चित अनुपात में धातु कोष रखे जाते हैं और आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निर्माण किया जाता है। पत्र मुद्रा के निर्माण के इतिहास में यह स्थिति प्रारंभ से प्रचलित थी। वर्तमान में इस विधि का कम प्रयोग किया जाता है। क्योंकि धातु कोषों की आवश्यकता होती है और धातु कोषों को खरीदना या रखना बहुमूल्य धातु कोषों को महंगा होता है। दूसरा आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें एक निश्चित मात्रा में मुद्रा महंगे धातु कोष को जुटाना पड़ता है। Thank you.
एकदम सीमा तक नोट निकासी की सीमा तय कर देते हैं, उस तक कोई धातु कोष नहीं रखा जाता। और उसके बाद में यदि हम मुद्रा का निर्गमन करते हैं तो धातु कोष 100% धातु कोष रखने पड़ते हैं। यह पद्धति कई इस पद्धति के विश्वास के साथ इस प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान समय में हमें क्या है, मुद्रा की अधिकाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। एक निश्चित अनुपात में धातु को रखे जाते हैं और उसके आधार पर हम क्या है पत्र मुद्रा का निर्माण करते रहते हैं, आवश्यकता अनुसार मुद्रा जारी कर दी जाती है। यह पद्धति वास्तव में अनुपातिक विश्लेषण का ध्यान रखती है। इस पद्धति में को सबसे पहले 1875 में जर्मनी में बनाया गया, इसके बाद में अमेरिका में बनाया गया।
corsi e spiegavo se quando c'era talmente davanti a me con la coda lì che era la settimana. Non mi ha detto, 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 non mi ha detto